हेलो, दिस इज अविनेश शर्मा है एंड आई वेलकम यू ऑल टू द क्राउन सक्सेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे और प्रिपरेशन भी आप सब लोगों की बेहतरीन, जबरदस्त, शानदार चल रही होगी। आंसर राइटिंग की सीरीज हमने चलाई हुई है और पिछली वीडियो में हमने कवर किया था क्वेश्चन को, ठीक है। आज हम एक पॉलिटी का फिर से क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने आपसे बताया है जो द हिंदू का न्यूज पेपर एनालिसिस हम कर रहे हैं उसकी लाइव वीडियो नहीं आ पा रही है, ठीक है। आप चिंता मत करना, जितने भी आपके टॉपिक्स बच रहे हैं वो हम सब कवर कर लेंगे, अच्छी तरीके से कवर हो जाएंगे सारे टॉपिक्स। मैं बाहर थोड़ा बाहर चल रहा हूँ जिस वजह से वीडियो नहीं आ पा रही है, लेकिन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आप डेली करते रहो, ठीक है। ये वीडियो आप देखते रहो और आंसर राइटिंग की तैयारी अपने अच्छे से करते रहो ताकि आपकी मेंस की प्रिपरेशन बढ़िया से होती रहे। और बाकी द हिंदू की सीरीज की कोई टेंशन मत लेना, वो जरूर आएगी, ठीक है। बस थोड़ा सा 5-7 दिन का डिले हो रहा है और बाकी जो न्यूज़ छूट रही है मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो कवर हो जाएंगी। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाओ, द क्राउन सक्सेस ऑफिशियल। चलो आज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन के बारे में कि भारतीय संसदीय कार्य प्रणाली में संसदीय समितियां जो भी हैं इनकी भूमिका का वर्णन करो। अब आपको क्वेश्चन ये लिखना कैसे है, पहले आपको देखो इंट्रोडक्शन में क्या लिखना होगा, आपको संसदीय समितियों के बारे में बताना होगा। ये संसदीय समितियां क्या चीज है, किस चिड़िया का नाम है संसदीय समितियां, ठीक है। संसदीय समितियों का काम क्या है ये आपको बताया जाएगा और ये इनको कंट्रोल कौन करता है, ठीक है। ये आप इसमें जो है देखोगे, इसमें ये आपको मेंशन करेगा, मतलब पूरी तरीके से इंट्रोडक्शन देना होगा आपको संसदीय समितियों का, ठीक है। ये कामकाज कैसे करती है, इनका कामकाज कैसे होता है, ठीक है। इसके अलावा आप बताओगे इनकी निगरानी कौन करता है, ठीक है, रिव्यू कौन करता है। इसके अलावा विधायिका में रोल इनका, ठीक है। अब देखो संसदीय समितियां हैं, समितियों का मतलब कुछ ऐसी समितियां हैं, कमेटी हैं जो कि काम करती हैं किस तरह का रूल्स बनाने का, कुछ इस तरीके से चीजें हैं, ठीक है। और बाकी कैसे इनकी भूमिका है इस तरीके से आपको बताना है, इंट्रोडक्शन देना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना ये क्वेश्चन को लिखना और देखते हैं किस तरीके से हम चीजें इसमें कर पाएंगे।
अब आप कुछ ये इस तरीके से देखो, हमने इसमें इंट्रोडक्शन में सीधे बात करी है, मैं आपको अगर दिखाता हूँ तो लोकतंत्र की बात हमने की है, ठीक है। संसदीय समितियों को बताया है कि जो विभिन्न मामले ना, कि अलग अलग तरह के मामले, उसमें कुछ तदर्थ समितियाँ भी बनती हैं, मतलब कोई स्पेशल मामले के लिए आपने समिति बनाई है तो इसलिए भी बनती हैं कुछ समितियाँ, ठीक है। इन्हें जो है सीधे कंट्रोल नहीं किया जाता विधेयक के द्वारा, मतलब पूरा इंट्रोडक्शन हमने दिया है कि क्या हम इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। इनकी भूमिका और महत्व की अगर हम बात करें तो इसको पॉइंट्स बनाकर हम लिखेंगे, और आप जितना देखो पॉइंट्स बढ़िया से बना पाओगे उतने ही अच्छे आप नंबर ले पाओगे। तो कोशिश करते हैं इनके पॉइंट्स बनाने की, तो चलो स्टार्ट करते हैं कैसे इनके पॉइंट्स बनेंगे, ठीक है, ट्राई करते हैं।
तो कुछ इस तरीके से आप अपने आंसर को लिख सकते हो और बेहतर आंसर बना सकते हो अपना। देखो हमने इसमें लोकतंत्र के जो संसदीय समितियां हैं इनकी भूमिका और इम्पोर्टेंस के बारे में लिखा है, ठीक है, कानून बना के बनाना कैसे कानून बनता है, कार्यकारी जवाबदेही के बारे में लिखा है। इस तरीके से आप अपना मॉडल आंसर लिखो, ठीक है, और बाकी टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाओ, ठीक है, द क्राउन सक्सेस ऑफिशियल, उसमें आपको PDF नोट्स वगैरह मिलते रहते हैं, ठीक है जी, ये काम कर लो आप, और बाकी अपनी मेंस की प्रिपरेशन करते रहो अच्छे तरीके से। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।